तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। मौसम भी अच्छा है। डुबकी लगाओ, अब तो और भी सुंदर लगोगी। फारना? हाँ? हे किमली बॉबी, तुम यहाँ कैसे आए? तुमसे मिलने। हम अपनी होने वाली भाभी को जानना चाहते हैं। हे, क्या तुमने यहाँ आने वाले जानवरों को देखा है? हाँ, इस मौसम में यहाँ बहुत भीड़ होती है। वहाँ देखो, ऐसा लगता है कि ये हर जगह से आए हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कोई उत्सव हो रहा है। पर क्या हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि ये सभी जानवर यहाँ पे नए राजा के सम्मान के लिए आए होंगे, लेकिन उसके लिए मेरे पास समय ही नहीं। राजा के लिए उसकी प्रजा सबसे पहले होती है। मुझे तुम्हारी आवाज में जलन सुनाई दे रही है। बिल्कुल नहीं, मैं तो बस खुश हूँ कि हर जगह प्यार है। आज सिम्बा की शादी। अच्छा, उसकी मंगेतर इतनी उदास क्यों है? वो हमारे महाराजा से प्यार करती है ना मैना? क्योंकि उसे कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल नहीं, बिना टोपी के बेहतर हो। मैं टोपी में ज्यादा अच्छा लगता हूँ ना। बस शादी के वक्त इसे उतारना मत भूलना मोटू। तुम्हारी टोपी बहुत अच्छी लग रही है, पर तुम्हारे जूते मैले लग रहे हैं। ओह, कितने गंदे हो गए हैं। जल्दी इन्हें साफ करो, हमें जाना है। मैं कैसा लग रहा हूँ? मैं बहुत देर तक नहाया। तुम साफ लग रहे हो, बस एक ही दिक्कत है कि तुम्हारे बाल बहुत हैं। तुम जल रहे हो। तैयार हो? बस हो गया। ठीक है, मैं सिम्बा को देखती हूँ। सैनिकों, रास्ता दो, महारानी आ रही है। खड़े हो जाओ, दोनों तरफ खड़े हो जाओ, बीच में रास्ता खुला छोड़ दो। सैनिकों, मुझे लगता है कि रास्ता और बड़ा होना चाहिए। तीन चार, हम हैं दिल्ली वाले, यार चार चार, हम सात साल चलते हैं, ग्यारह बारह को। सैनिकों तैयार रहो, सिंहासन पे और थोड़े फूल लगाने चाहिए। बंदर काफी अच्छा काम कर रहे हैं, ये काफी आश्चर्यजनक है। सिम्बा ने उन्हें आजादी दे दी है ना। क्या आपको सजावट पसंद आई? वो राजाओं के राजा महाराजा। बहुत खूब, ये सुंदर है, तुमने अच्छा काम किया है। शुक्रिया महाराज। धन्यवाद तुम्हारा। हम सभी ये चाहते हैं तुम्हारी और फरना की शादी हमेशा के लिए यादगार रहे। वो बहुत खुश होगी ना। तुम्हारा सिंहासन कितना प्यारा लग रहा है। वैसे तो तुम गाना तब गाती हो जब तुम ज्यादा भावुक होती हो। तुम्हें तो पता है कि मुझे गाना कितना पसंद है, पर मुझे अपनी आवाज को बचाना है फरना के लिए। ये उसकी शादी का दिन है। क्या तुम्हें लगता है कि उसे शक हुआ है कि ये सब उसके लिए है? मैं सच में चाहता हूँ कि उसे पसंद आए। सिम्बा, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी कि शादी के समय मैं फरना को अपने साथ लेकर आऊं।
ये मजेदार लग रहा है, हम भी साथ आएंगे। ये बिल्कुल सही है। अभी नहीं, एक और फूल चाहिए मोटू। यहाँ ऊपर से पत्तों को सीधा करो पतलू। दोस्तों क्या तुम सब तैयार हो? सिम्बा बेचैन हो रहा है, वो चाहता है कि हम उसकी रानी को ले आए। हमारी रानी इस मुकुट में बहुत सुंदर लगेगी। चलो हम सब चलते हैं। हम शादी में जाने वाले हैं मोटू। चलो अब देर किस बात की है। सुनो सेनापति। जी हुजूर। इधर आओ मेरे दोस्त। मेरी जगह लो। मेरी बात ध्यान से सुनो। सावधान। ये बकवास है, तुम्हारा ये बर्ताव सैनिकों का अपमान है, समझे? पर सेनापति आप तो हमें रुकने के लिए कहना भूल ही गए। क्यों? आपने बताया ही नहीं। ये सच में आप भूल ही गए बिना किसी चेतावनी के हुजूर? अच्छा मुझसे? एक नेता ऐसी गलतियां कभी नहीं करता। शायद उसे ये नेतृत्व नहीं करना चाहिए था। हमें इसे एक अलग दृष्टिकोण से देखना चाहिए। अच्छा कम से कम माफी तो मांगी। फिर भी उसे अपनी सेना से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी। कोई काम ठीक से नहीं कर सकता। तकलीफ हो रही है। अरे किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया था। हाँ तुम सही कह रहे हो। सावधान, कोई शिकायत नहीं करेगा। मैंने कहा सावधान। सब लोग कतार में खड़े हो जाओ। सब लोग आज के अभ्यास के लिए तैयार हो जाओ। ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। बहुत बढ़िया। सैनिकों आगे बढ़ो। राजा को सलामी दो। महाराज हमारे सैनिकों की सलामी कबूल करें और आगे का आदेश दें। सेनापति मैं चाहता हूँ कि तुम और तुम्हारी सेना जाकर तुरंत राजकुमारी फरना को लेकर आएं। समझ गए? जो आज्ञा महाराजा अधिराज। सैनिकों आगे बढ़ो। हम आपका अपने राज्य में स्वागत करते हैं सैनिकों। सैनिकों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़। सेनापति तो कलाकार है। इनकी मेहनत देखकर तो मुझे भूख लगाई। सैनिकों सावधान होएंगे, सावधान। बहुत अच्छा किया। सैनिकों तीन और तीन में चलेंगे, आगे चल, आगे बढ़ो, जल्दी। एक दो, 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 एक दो। आप अभी भी चाहते हैं कि हम राजकुमारी को लेकर आए? हाँ सिम्बा, चलो चलते हैं। महाराज हमने उनके लिए मुकुट बनाया है, हम उनके ईमानदार सेवक हैं महाराज। हम सब हैं, आप सबका शुक्रिया। एक दो, एक, 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 एक दो, एक। हम आपको सलाम करते हैं महिलाओं। राजकुमारी किम्बा, बॉबी और फरना, हमें महाराज सिम्बा का आदेश मिला है कि हम आपको उनके पास लेकर जाएं। आदेश? सब ठीक है? चिंता मत करी राजकुमारी, सब कुछ ठीक है, हमारे साथ आइए। तुमने उन्हें ऐसे क्यों डराया, बताओ सेनापति। हम यहाँ पर आपके सम्मान के लिए आए हैं राजकुमारी। और आपका हमारे साथ चलना आपकी जिंदगी बदल देगा। आखिर यहाँ ये सब कुछ हो क्या रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये सब कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है फरना। समझी?
मुझे औरतों के आसपास रहने की आदत नहीं है, लेकिन क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप चलने के लिए तैयार हैं? राजकुमारी वरना ये सम्मान की बात है कि अब हम आपको महारानी बुलाएंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर है महारानी। मोटू क्या तुम तैयार हो महारानी को मुकुट देने के लिए? बेशक। हमने इसे सुबह सुबह ही बनाया आज। सैनिको तीन बार सलाम करेंगे। सलाम शादी नहीं करना चाहती, मुझे तैयार होने के लिए समय चाहिए। फिक्र मत करो, तुम बहुत सुंदर लग रही हो फाला। सिम्बा की बेचैनी का कुछ तो ख्याल करो। एक दो एक, 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 एक दो एक। फारना, क्या तुम मेरी पत्नी बनना पसंद करोगी और मेरे साथ मिलकर इस राज्य पे राज करोगी और मुझे दुनिया का सबसे खुशनसीब राजा बनाओगी? बोलो ना फारना, बोलो। हाँ सिम्बा, मुझे तुम्हारी पत्नी बनने में खुशी होगी। देखो राजा रो रहे हैं। अगर अब कोई हंसा तो उसको मैं सजा दूंगा, समझे तुम लोग या नहीं? आप दोनों को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपका जीवन मंगलमय हो। अब हमें अच्छा लगा तुम यहाँ आए, स्वागत है तुम्हारा। शुक्रिया सिम्बा, पर मैं नहीं चाहता कि एक राजा मेरे सामने झुके। मैं खुश हूँ कि तुम दोनों से मेरी मुलाकात हुई। ये मेरा सम्मान है आर्बर। सभी ध्यान से सुने, आर्बर हमारे जंगल के राजा हैं। मैं सबकी तरफ से शुभकामनाएं लेकर आया हूँ। तुम्हें देख कर बहुत अच्छा लगा आर्बर, बहुत अच्छा होता अगर तुम बाकी सबको भी लेकर आ जाते। अगर ला सकता तो ले आता, तुम्हारा परिवार और सारे दोस्त तुम्हारे दिल में ही तो हैं। मुझे पता है, मैंने उन्हें महसूस किया।
सब लोग कैसे हैं आरबार? चमेली माँ, अकड़ू और पकड़ू? मैं लगभग भूल ही गया, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, एक बहुत ही विशेष शादी का तोहफा। हाँ? ऐसा तोहफा जो फरना को उनसे मिला सके जो सिम्बा को बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पर जल्दी आओ, जल्दी, वो अब तैयार हैं। हाँ, चमेली माँ। सिम्बा, क्या मुझे देख सकते हो? मैं तुम्हारी माँ। हाँ, हम सब यहाँ हैं। आपको देख के बहुत अच्छा लगा। यकीन नहीं होता तुम्हारी शादी हो गई। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात है। तुम अपनी पूंछ पकड़ने की कोशिश करते थे, कितनी बदमाशी करते थे। मैं तुम्हें पूरे दिल से चाहती हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है, तुम हमेशा से बहादुर थे, और सबसे बड़ी बात, तुम एक राजा थे। सब आपकी मेहरबानी। काश मैं वहाँ तुम्हारे पास होती और तुम्हें राजा बनते हुए देखती। अगर आपने मुझे जंगल का रास्ता नहीं बताया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। हम सबको तुम्हारी याद आती है। मुझे लगता है कि थोड़ा नृत्य करना चाहिए, आदेश दे महाराज। हाँ बिल्कुल। और ये अच्छा तरीका होगा कि शानदार शादी में हम जंगल का गाना गाएं सब लोग मिलकर। क्या हुआ हुजूर, आप उदास लग रहे हैं। मेरी आंख में कुछ चला गया है सैनिक। वैसे मुझे तुम लोगों को मुबारकबाद देनी है सैनिकों, पहली बार तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। शुक्रिया जनाब। सिम्बा, फरना, हम चाहेंगे कि तुम जल्दी से अपने बच्चों के साथ आकर हमसे मिलो, वादा सिम्बा? बेशक हम तुमसे आकर मिलेंगे अगस्त्या। अलविदा। ख्याल रखना। बलू, हमें तुम्हारी याद आती है। जब से मैं राजा बना हूँ मैं कुछ बातों पे विचार कर रहा हूँ और मैंने कुछ फैसले लिए हैं। मैं तुम्हें आधिकारिक गायक के रूप में चुनता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मोटू, पतलू और विनर, तुम्हारे कंधे पे होगी खेल और नृत्य विभाग की जिम्मेदारी। क्या तुम ये जिम्मेदारी निभा पाओगे? हम आपको निराश नहीं करेंगे। और बलू, मैं तुम्हें अपना राज रसोईया नियुक्त करना चाहता हूँ, सही है ना? सुनकर बहुत अच्छा लगा सिम्बा। का, तुम मेरे सलाहकार बनोगे। बकशॉट, तुम मेरे सेनापति बनोगे। और बघीरा, तुम हमारे समारोह के आयोजक बनोगे। और काओ, तुम होगे हमारे जासूस।
शुक्रिया महाराज, हम सबके पास राजसी काम है। विनर जाओ और जाकर फ्लैश को हमारे पास लेकर आओ, जल्दी। अभी लाता हूँ महाराज। इतराज न हो तो मैं उसे ले आता हूँ। बेशक, तुम दोनों को कौन अलग कर सकता है भला। आ जाओ फ्लैश, शर्माओ मत। फ्लैश, तुमने जो भी किया मैं उसकी तहे दिल से सराहना करता हूँ। मैं तुम्हें बल्लू का सहायक नियुक्त करता हूँ। सिम्बा, हम तुम्हारा शुक्रिया करते हैं हमें इस तरह से सम्मानित करने के लिए, पर हम तुम्हारे साथ बहुत समय से यात्रा कर रहे हैं और अब हम वापस घर लौटना चाहेंगे। बक्शॉट, बलू, काऊ और मैं हमारे जंगल में जाना चाहते हैं। तुमने शेर खान को हरा दिया है, अब हमें कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता था कि ये दिन आएगा और मैं समझ सकता हूँ। शुक्रिया उस हर चीज का जो तुम सबने की, सिर्फ इस सफर में नहीं बल्कि जब मैं बड़ा हो रहा था तुमने मुझे दोस्ती का मतलब सिखाया। बगीरा बगीरा, कोई बात नहीं, हम सब आके तुम्हें मिलेंगे। वैसे भी आज का दिन आंसू के लिए नहीं, गाने के लिए है। चलो सिम्बा की शादी से सब लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कुछ हैं जो बहुत उदास हैं, क्योंकि उन्हें वापस घर जाना है। इतने दिनों साथ रहने के बाद एक दूसरे से दूर होना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए फिर मिलेंगे।